और सर जो विषय अब जैसे कि हमारे समाज के लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आरक्षण से आईएएस बन जाएंगे या आईपीएस बन जाएंगे तो वो हमारे को शक्ति मिलेगी। ये एक बहुत बड़ा भ्रम है। हमारे जो नेता लोग रिपब्लिकन पार्टी की ये कहते थे कि ये आईएएस और आईपीएस जो हमारे समाज के हो जाते हैं वो इतने निकम्मे हैं कि दे आर ट्रीटेड इन द गवर्नमेंट जस्ट लाइक एन इनक्वायरी क्लर्क, उनका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। इसीलिए बाबा साहब ने जब रिजर्वेशन की बात की थी तो उन्होंने कहा था कि रिजर्वेशन का केंद्र जो है वो कहां से स्टार्ट होता है। हमारे आदमी और हमारे समाज के पढ़े लिखे लोग, मुझे तो बड़ा दुख होता है जो फिर को आईएएस कहते हैं वो इतने कंफ्यूज है, इनको समझ हमारे समाज के कार्यकर्ता इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो हमारा शक्ति का जो केंद्र है वो कहां से स्टार्ट होता है। बाबा साहब ने उसकी डिमांड की थी, जब तक हमारा रिप्रेजेंटेशन डिफेंस है, चाहे वो एनडीए हो, चाहे एयरफोर्स हो, चाहे नेवी हो, वहां से जब तक आपका रिजर्वेशन स्टार्ट नहीं होगा आप बिल्कुल नाकाम बना दिए जाओगे। इसीलिए अब रिजर्वेशन की बात की, वो जमाना था जब रिजर्वेशन था, अब वो जमाना ऑब्सोलीट हो गया है। और जो रिजर्वेशन वर्ड है, हमारे साथी एडवोकेट शायद आए हैं या नहीं, शेर सिंह एडवोकेट ने अपने एक पत्रिका में अभी रिसेंट जो निकली हुई है उसमें उन्होंने साफ साफ लिखा है कि रिजर्वेशन वर्ड दैट हैज बिकम ऑब्सोलीट। अब प्रॉब्लम है रिप्रेजेंटेशन की। रिप्रेजेंटेशन में जब इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया और इंडिया रिपोर्टर 1993 पेज नंबर 477 में जब रिजर्वेशन की बात कही गई थी तो मंडल कमीशन में 27% रिजर्वेशन ओबीसी का है और पहले से शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन 15% है और शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन 7.5% अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 16 क्लास 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी टोटल मिलाकर के 49.5% रिजर्वेशन है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि रिजर्वेशन मस्ट नॉट एक्सीड 49.5%। अब मैथमेटिकली जो मैथमेटिक्स स्टूडेंट जानते हैं कि 49.5% इक्विवेलेंट टू 50%, तो जब 50% रिजर्वेशन हो गया तो फिर रिजर्वेशन की बात ही खत्म हो गई, तब बात भी रिप्रेजेंटेशन की। तो हमारा रिप्रेजेंटेशन हर जगह होना चाहिए और ये वर्ड अब ऑब्सोलीट हो गया है, इसका कोई फायदा नहीं। जब तक हमारा रिप्रेजेंटेशन हर सेक्ट में नहीं होगा तब तक हम हमारा रिजर्वेशन तो खत्म ही है। हर जगह प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, इसीलिए बाबा साहब ने कहा था अगर प्राइवेटाइजेशन होगा इसमें जो सर्वहारा वर्ग है, जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल टाइप है रिजर्वेशन है वो खत्म हो जाएगा। इसलिए रिजर्वेशन वर्ड को दैट शुड बी रिप्लेस्ड बाय रिप्रेजेंटेशन, एक चीज। दूसरी चीज, हमारे समाज के लोगों को एक बहुत बड़ी गलत फहमी रहती है रिजर्वेशन के नाम पर। 20 नवंबर 1990 को जब विश्वनाथ प्रताप सिंह हमारे प्रधानमंत्री थे तो उस समय एक सर्कुलर आया था कि जो लोग सिख हैं या बौद्ध हैं वो अपने नाम के आगे जो है बजाय सिख और बौद्ध लिखने के सिख या हिंदू लिखने के वो बौद्ध लिख सकते हैं, लेकिन उसमें न कॉन्स्टिट्यूशन कहीं पर अमेंडमेंट हुआ और ना कहीं पीपल्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन एक्ट अमेंड हुआ। पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1950 और 1951 में रिजर्वेशन का कोई प्राविधान नहीं है कि बौद्धों के लिए कोई रिजर्वेशन है। कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई अभी तक प्राविधान नहीं है जहां पर बुद्धों का रिजर्वेशन है, लेकिन हमारे लोग कुछ लोग गलत फहमी करते हैं, कहते हैं बुद्धिस्टों का रिजर्वेशन होता है। कई लोग वकील लोग भी हमारे पास आए कहते नहीं सर गवर्नमेंट ने तो बुद्धिस्टों का रिजर्वेशन कर दिया है, लेकिन उनको ये नहीं समझ पाता है हमारे भारतीय संविधान में फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 13 क्लास 4 में साफ साफ लिखा हुआ है कि ये कोई भी कानून या कोई आर्डर या ऑर्डिनेंस या एग्जीक्यूटिव आर्डर ये कोई कानून नहीं होता है। आर्टिकल 13 में भारतीय संविधान में साफ साफ लिखा हुआ है। कई बार हमारे नेता लोग स्टेज से कह देते हैं ये भारतीय संविधान बाहर बिक रहा है,
इसको आप पढ़ लीजिए। इसलिए हम आपको सब लोगों को यह चेतावनी देना चाहते हैं कि ये जितने प्राइवेट प्रकाशन वाले हैं, भारतीय संविधान वाले, चाहे वो सम्यक प्रकाशन वाले हो चाहे कोई भी हो, इनमें कोई पूरी बात नहीं लिखी होती है। इन लोगों ने, ये जो प्राइवेट पब्लिशर है, इन्होंने हमारे भारतीय संविधान की भूमिका में सिक्युलरिज्म के वर्ड को ही उड़ा दिया। और हम लोग कहते हैं इसको पढ़िए, अगर आपको भारतीय संविधान पढ़ना है तो आप वही भारतीय संविधान पढ़िए जो लॉ कॉलेज में पढ़ाया जाता है। उसमें आपको मिलेगा कि आर्टिकल 13 क्या है, 15 क्या है, 16 क्या है, आर्टिकल 46 क्या है, और आर्टिकल 334 और 335 क्या है। इनकी किताबों में कहीं नहीं मिलेगा, ये बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। दूसरी चीज, ईवीएम की लोग बात करते हैं कि ईवीएम में हेराफेरी होती है। ईवीएम की का जो कोर्ट में जो केस दायर हुआ था, हमारे अपोजिशन के आदरणीय डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने केस दायर किया था, जिसका फैसला सुप्रीम कोर्ट में 8 अक्टूबर 2013 को आया था, जिसमें ईवीएम को मना किया गया था कि अब अगला जो इलेक्शन होगा कोई भी, वो ईवीएम के थ्रू नहीं होना चाहिए। और उस समय कांग्रेस पार्टी का शासन था, कांग्रेस पार्टी ने डेलीबरेटली इसको इंप्लीमेंट नहीं किया। अब वही कांग्रेस वाले जब लूज कर गए तो बीजेपी को रोते हैं। यानी कहने का बात तात्पर्य ये है, हमारे केजरीवाल जी की बात कभी कभी मुझे सर्वथा सत्य आती है, सत समझ में आती है कि ये दोनों मिले हुए हैं। ईवीएम के थ्रू इनका 5 साल का नहीं बल्कि 10 साल का तो निश्चित है इनका चलना ही चाहिए। ईवीएम करना कांग्रेस के लोग विरोध करते हैं, ना बीजेपी के विरोध करते हैं, और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को जो 2013 में इंप्लीमेंट हुआ था उसको इंप्लीमेंट करने की किसी ने बात नहीं कही। ये कानूनी दांव पेच है, ये बात मुझे स्पष्ट करनी थी, वो मैंने स्पष्ट कर दी। धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।